अपने घर में कुछ ना मिलो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, भैया कल है रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन मुबारक हो आप सब बहनों को जो भी भैया जाएंगी, ठीक है मेरी तरफ से। और भाई मैं देखिए राखी लेकर आई थी, इतनी महंगी राखी हो रही है बाबा। बोला इतने सिंपल सिंपल से धागे इतने महंगे हो रहे हैं, देखो इतनी, मैं तो इतनी खास इतनी वो भी नाती सिलने के लिए। और ये राखी लाई थी मैं उनको, अपने भाई इनको, और ये सूर्यांश की यहाँ, ठीक है ठीक है। ये कासो अपनी यहाँ लेकर आई थी, ये देखो इतनी महंगी राखी है ये अकेली इसकी, ठीक है। मतलब 40-40 रुपया की राखी है भाई ये, 40-40 की। बताओ क्या है इस राखी में, ये बता दो बस मुझे, राखी में है क्या है? ये सिंपल सी राखी है, इतनी 40-40 रुपये की राखी है, और ये 50 की है, ये 50 की दी है, 40-40 की दी है, बताओ। बांधो राखी है। और जो 20-20 रुपये वाली राखी है दोस्तों, जो 20-20 रुपये, वो तो पसंद ही नहीं आ रही थी, मतलब उनकी क्वालिटी ने इतनी बेकार दिखी, वो पसंद ही नहीं आ रही थी मुझे, तो यही वाली लेनी पड़ी फिर मेरे को। है कासू अच्छी लग रही है तुम्हें? अपने लेकर आई पागल छोरी राखी से, बांधन का कास तू भी हद करे, इसे पता लगे आई हो, और मेरे लिए एक जो इमारी चाहिए मुझे भी। जब तुझे यूँ पता है कि सूर्या सुसवारी राखी कोई लेगा, वो कहीं जाएगा, वो खुशी के तुम जाना, मैं ना जा रही, अब वो ही ले लेगा उसे, कोई बात ना, जब बाद में बांध लिया। मेरे को वो बांधनी है ना, ना ना छोरी का मैं देख रहा है पागल सी छोरी के। तो जब तुझे पता, तू जब एक राखी लेके जाएगी तो वो उसकी यूँ जिद करो, तुझे भी पता होगा। मैं ये बात हां क्यों नहीं बोली, मेरे दिमाग में मिनाई देख दे मुख लट्टो पर ठीक है। तो ये अच्छा बता दे, तो जुमला दे दो जब मैं अच्छा बता दे, ये चाहिए ये रोज की, मैं वो जवाब नहीं दे रही था, चाहिए ओ रोज को मेरा गुड्डा, ये गुड्डा लूज गो ये पनीर ताए दो दद्दा, ये पनीर ताए को मेरा गुड्डा, पनीर गुड्डा पनीर खाएगी हैं, कोई ना खा रात में बनाएंगे मेथी की सब्जी। ओ रात बनेगी भैया, अच्छी लग रहा है ऐसे मेथी की सब्जी, ऐसी बात ना है, तगिया खराब हो जाएगा उसका। तो दोस्तों हम तो भाई अपना राखी वाकी ले आए, अपना यही पसंद आई थी, घेवर खाए तुम देखे, तुमने घेवर, घेवर सेवर मुझे पसंद ना आए, कभी खाए तुमने? हाँ तुझे पसंद ना, हमने तो कुछ ना खाया भाई, हमने कुछ ना खाया, हमने जो भी खाया इस घर में खाया बस, सूखी पापड़ी खाया बस सूखी, यही तो हमने वो केके में घेवर खाया, यहीं पे चिपक के रोटी खाई है, यहीं पे दूध पियो, यहीं पे सब कुछ मिलो, इस घर में ही मिलो, हमें तो अपने घर में कुछ ना मिलो। छाछ पी है कितनी पी है, जितनी पी जाए, दही खाई अरे वो घी खाया है? फिर तेरे में बस 42 किलो वजन कैसे रह सके भैया, हेल्थ हेल्थ कौन क्या बोले हैं उसे, कैसे रह सके? हम 14 साल 19 साल की उम्र में हमारा वजन कम से कम 80 किलो है। तू अपने उस पे वेट पे ध्यान दे, हम तो ध्यान दे भाई, दूध घी खाने वाले का कौन दे है, मतलब उस पे ध्यान, ये 40 किलो की। हाँ तो भाई हम तो हाथ ध्यान दे कि मोटे ना हो जाए, लिमिट से खावे, तो लिमिट से कैसा हो सके जो दूध घी खाता हो उसकी लिमिट, भाई हमारी तो लिमिट है, तेरी ना होएगी फिर तो तू ऐसा ऐसा करते भी, वो ड्रॉप ड्रॉप में लेके दूध पी ले बच्चा, तू एक बूंद दूध आगा, एक बूंद घी आगा, एक बूंद छाछ आगी, पी लिया खा लियो हमने, बस ऐसी बोलना आप है, मतलब ऐसा दिखाएगा मेरे को यो आदमी, यो मेरा हसबेंड, मेरा बंड, यो मेरा आदमी भाई, यो कासू का पापा, तो ऐसा दिखाएगा जैसे मैंने तो अपने घर में पियर में कुछ देखो ही ना, जो भी देखो मैंने इसी घर में देखा, अरे नहीं यूँ ना पता भैया, हमारे घर में सब कुछ था ठीक है, हाँ जो यहाँ पे ना हो ना वहाँ पे था, अब वो चीज तुझे भी पता है, अब देख उल्टी बात कर रहा है ना, ना देखेगी तो शहर जैसी चीज मिलेगी, गांव में जाएगी तो गोबर मिलेंगे, तो गोबर से पता है कितनी सामग्री बनती है, यूं भी पता तुझे, खा लेगी तो गोबर है, खा मैं गोबर खाए और क्या, हाँ खाया, ओ,
जाग रही भैया क्यों अब एक बता जो भभूति रह वे राख होती है करके पीछे जाग रही अरे बेअकलो करती ना वही पागलपंती वाली बात इनने घर के पीछे जाके गोबर छुप छुप के रात ना एक बता दोस्तों जो राख होती है जो चाटना तो गोबर की राख होती है समझ में आ गई तो खाया हो गोबर हमने तो तेने भी खाया है तो राख किसका बने किसका गोबर की बने ऐसे जब हम पनीर खाते हैं फिर तो वो दूध ही माना जाएगा और दूध क्यों माना जाएगा वो तो बकरा माना जाएगा वो भैंस मानी जाएगी तुम भैंस को आतो सी सही बात है ना बोलो ऐसे सब्जियां खा रहे हैं नीचे से जमीन के नीचे से निकले हुए फिर तो मिट्टी खा रहे हाँ तो खा ले मिट्टी मुंडी सीधी कर ये मुंडी सही कर रहा कहा कर रहा है फेशियल कर दे बाबू कल वो रक्षाबंधन पे मैं घर जाऊंगा वो कर दे तो रक्षाबंधन घर ही तो जाएगी तो में जा रही है तो फिर भी फिर फेशियल कर दे बाबू सुंदर सी लगूंगे फिर मैं बोलूं फिर तू चिढ़ जाएगी हाँ हाँ बोल 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 अब तू बोल बाबा कहना चाह रहे हैं कि तुम में फेशियल की आदत देखा है हाँ देखो है मैं समझ जा पर हम तो तबे जैसे ही हैं तो वही तो कह रहा हूं का फायदा उस चीज का ना तबे भी अगर तुम चमका में चमक जावे वो भी अरे भैया तो फिर वही रंग तो नहीं बदले हो ना क्यों ना बदले सफेद हो जाता वा जब उसे घिसे है तो अरे भैंस भैंस भी सफेद हो जाए तूने अपनी सारी भैंस गाय बना दी होगी क्यों रगड़ी मैंने भैंस अपनी सफेद कर दी मैंने वो रगड़ रगड़ तो ऐसा कर जिससे वो रगड़ी ना उससे वो सामान मुझे ला के दे दे उससे अपने मैं भी रगड़ दूंगा तुझे तूने फेसल तो ना करोगा उस भैंस को मतलब अब तुम मुझे कहा कहें जब अब तुम मुझे रगड़ के वो बनाएगा है अब जिससे होएगा उसी से ही होएगी ना तो फेसल कर हाथ अंते हो जाएंगे तो गोरे इनसे ना हो सके क्यों ना होएगी तो कोई जिनावर है तो चल तो कहें जिनावर नाम तो पकड़ हाथ से करना बाबू अभी तो कह रहा हूं जिनावर क्या होता है जैसे दिमाग वालों का दिमाग जो तेरे दिमाग में जो कीड़ा होता है उसे जिनावर जिनावर जानवर बेटा जानवर है जानवर और ये मोटी जानवर को जिनावर बोलते हैं ऐसे ही करता रहा है जब देखो मेरे पीछे पड़ा रहा है लड्डू मंगवा लियो खाने के यहाँ नया चॉकलेट का डिब्बा क्या कह रही तू देगा ना मैं तो नहीं मतलब फालतू के पैसे ना बेफालतू चीज़ ना मत मंगवा मैं कैसे चावल के वो दे दूंगा चावल बनेंगे चावल खाइयो आराम से है भी अरे पसवा मत बनेगी हो हैं पूछने के तो बनाने ही पड़ेंगे अपने ने बना ले पर हमारे ने भैया भैया मत बनेंगे हमारे पूछने ही ने बना ले पसवा हमें ना खा ले हम पैसे खाएंगे ठीक है काजू बना लिए काजू बना लियो तू है मैं जब चाहिए उनसे बना दिया अगर करने की है तो हमें बता दियो हम कुकर वटार के सारे में लगा देंगे दो चार सीटी मैं भी खा सो उनके नमक भी ये लग रहा है अगर घेर देंगे उसमें मैं खा सो तो तुम कौन था सुबह सुबह 7 बजे भाग रही हो यहाँ से जितने बजे आएगी अभी अभी तो इसकी फ्लाइट ही बुक ना है अभी तो मेरी फ्लाइट रूसी पड़ी अभी तो इसकी फ्लाइट में पंचर हो रहा अभी तो फ्लाइट पता ना मानेगी ना मानेगी अभी फ्लाइट का ही ना पता भैया सही बात है फ्लाइट ही ना पता वो जाएगी ना जाएगी वो फ्लाइट अभी थोड़ी बीच में रुक चुकी है ए भगवान ऐसे ऐसे दोस्तों हैं तुम्हारे मतलब तुम्हारे कह रही हूँ गलती से बोल दी ठीक है मतलब ऐसे हैं कुछ ही बोलते रहे मैं अब दोस्तों देखो मुझे बहुत दुख हो रहा मैंने कल्ली मेहंदी लगाई वो पता ना कौन सी मेहंदी पकड़ा दी उसने चाइनीज सी दिखा रही हूँ देखो यो कहा कर दिया मेरे बालक इतनी मेहनत करके मेहंदी लगाई कल अब किस लिए लगाई कि बेचारे रक्षाबंधन किया जब तक यो मिट मिट आ जाए देखो ऊपर से मिट गई यहाँ से भी अब आधा ही दिन हुआ अभी तो है अब मेरे को बड़ा दुख हो रहा थी मेहनत करके बालक ने लगाई अरे कासू ने भी लगाई थी वो हाथ ने वो अभी हाथ हाथ धोती ना इतने तो उसकी अभी छपी हुई है पर हम तो घर का काम कर रहे हैं लाइट पे आई ना इससे ना ये पता चला कसी तो सच में ना हाथ धोती बेटा अरे तो पीछे से कैसे धुलेगा
तेने से लेते हैं सामने से होते हैं ना, तेल लगने हैं चाय चाय। अच्छा चलो दोस्तों बाद में मिलते हैं, ओके। और दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और जो मेरे ब्लॉग में नए जुड़े हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियो टाइम से मिल जाए, हैं। और ऐसी प्यार जताते रहिए, प्यार सपोर्ट करते रहिए भैया, और हमें खूब बड़ा आदमी बना दीजिए। मैं तो भूवड़िया छोड़ रही हूँ, नहीं बोलती रहूँगी कुछ भी, तो आप दिल से मत लिया करो ज़्यादा, बस प्यार करते रहो मैं।